नूह जिले के संगेल गांव के एक जमीन के टुकड़े की रजिस्ट्री कराते वक्त विक्रेता ने गलत दस्तावेज दिखाकर जमीन बेच दी। इस बात की शिकायत डीसी दरबार तक पहुंच चुकी है, जिसकी जांच अश्वनी कुमार एसडीएम नूह ने कराने का आदेश दिया है। पत्रकार से बातचीत के दौरान अश्वनी कुमार एसडीएम नूह ने कहा कि उपायुक्त अजय कुमार ने उनको उपरोक्त शिकायत मार्क की है। शिकायतकर्ता दीपक शर्मा ने यह शिकायत दी थी। यह शिकायत उन्हें प्राप्त हो चुकी है। इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सप्ताह भर में इस मामले की जांच पूरी कर ली जाएगी। जो भी अधिकारी व कर्मचारी गलत तरीके से रजिस्ट्री करने में दोषी पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये जांच हमारे डीसी साहब के पास से 9 तारीख को ही रिसीव हुई है और हम अभी इस पे एक्शन लेंगे। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाएगी। 13 अप्रैल तक का हम उनको टाइम दे रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जो भी इसमें अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी दिन वीक इसका सब रिजल्ट आ जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक शर्मा जी, गाँव संगेल है। क्या मामला था? मामला ऐसा जी, हमारे दादाजी रतिया उर्फ रतिराम पुत्र शिवलाल पुत्र बीरबल, उनके नाम से काफी वर्ष लंबे समय से पुन्नार पुरोहित नाम दर्ज चला रहा है। मुस्तील नंबर 104 का 1/1 किला नंबर, जो कि बाद में हरियाणा सरकार के पास चला गया। हरियाणा सरकार ने अलाटमेंट करी है सोनपाल पुत्र देवराम के नाम से। अब ये जो US-4 जारी हुआ, सोनपाल पुत्र देवराम के नाम से हुआ है। बाद में जब इसके नाम रजिस्ट्री चढ़ी है तो इसने आधार कार्ड अपना सोनपाल, हमने इस डॉक्यूमेंट निकलवाए तो सोनपाल पुत्र कल्लू के नाम से इसका आधार कार्ड मिला है, पहचान पत्र मिला है। फिर इसने जब अगली पार्टी को बेची हुई है तो उसमें रजिस्ट्री में इसने आधार कार्ड वो मैच करा, इसका आधार कार्ड नंबर और इसका जो पैन कार्ड नंबर है वो मैच करा है। हाँ, ये जांच हमारे डीसी साहब के पास से 9 तारीख को ही रिसीव हुई है और हम अभी इस पे एक्शन लेंगे। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाएगी। 13 अप्रैल तक का हम उनको टाइम दे रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जो भी इसमें अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।